हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेक्स फ्लेवर्स। आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ कश्मीरी मटन यखनी। कश्मीरी मटन यखनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है आधा किलो मटन, एक किलो मैंने दही लिया है, एक मीडियम साइज अनियन, इसे मैंने बारीक भी काट के रखा है, एक टेबलस्पून देसी घी ये ऑप्शनल है, कुछ जामे लिए लहसुन के, सूखा पुदीना दो टेबलस्पून, ये गरम मसाला, इसमें मैंने बड़ी इलायची चार ली है, छोटी इलायची मैंने चार से आठ ली है, एक टुकड़ा मैंने सिनेमम स्टिक लिया है, दो टीस्पून नमक, एक टेबलस्पून मैंने चावल का आटा लिया है, एक टेबलस्पून जिंजर पाउडर, एक टेबलस्पून सौंफ पाउडर, यहाँ पे मैंने एक टीस्पून मैंने गरम मसाला लिया है, ये मैं घर का ही पिसा हुआ है यही मसाला, इसमें लौंग वगैरह भी डली है, और एक टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। इस रेसिपी को बनाने से पहले मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मटन यखनी बनाने के लिए सबसे पहले मुझे मीट को बॉईल करना है। मैंने ये प्रेशर कुकर लिया है, इसमें मीट डालती हूँ। अब मैं इसमें पानी लेती हूँ, पानी ज़्यादा नहीं डालना है, बस मीट अच्छी तरह डिप हो जाए। अब मैं इसमें नमक डालती हूँ, नमक इसमें मैं अभी आधा ही डालती हूँ। ये अदरक लहसुन का पेस्ट, अब मैं गैस ऑन करती हूँ। अभी हमें प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद नहीं करना है, पहले हम इसमें उबाल लाएंगे। तो मीट को जब हम उबालते हैं तो इम्प्योरिटी सी ऊपर आ जाती है, वो हमें पहले निकालना है। ये देखिए इम्प्योरिटी ऊपर आ गई, ये हमें सारी उठानी है इस तरह से। ये देखिए सारी मैंने उठाई इसमें से। अब मैं इसमें ये गरम मसाला है, आप चाहे तो खड़े मसाले भी डाल सकते हैं, लेकिन उनको फिर स्टेन करना पड़ता है, इसलिए इजी वे है मैं पिसा हुआ ही डालती हूँ। ये सौंफ, हम लोग सौंफ भी बिना पिसा डाल सकते हैं, लेकिन वही जैसे मैंने आपको बताया कि वो स्टेन करना पड़ता है, इसलिए मैंने पीस के ही लिया। हमें मीट को सिर्फ 50% ही पकाना है। अब मैं लीड बंद कर देती हूँ। मैं गैस को धीमे रखती हूँ। 15 मिनट्स हो गए, मैंने गैस ऑफ कर दिया। हमें बस 50% ही पकाना है मीट को ऐसे। मैंने ये बर्तन लिया, मैंने इसमें ऑयल लिया, मैंने इस चम्मच से 3 बड़े चम्मच मैंने इसमें ऑयल लिया। ऑयल गर्म हो गया, अब मैं ये अनियन जो है गोल्डन ब्राउन करती हूँ। प्याज गोल्डन ब्राउन हो गई, मैंने ये निकाली तेल से। अब जो है तेल में मुझे कर्ड डालनी है, कर्ड को मैंने फेंट के रखा है। गैस फिर से मैं ऑन कर देती हूँ।
जब आप कर डालेंगे तो इसको चलाते रहिएगा इस तरह। और फ्लेम फुल रखनी है। आपको कंटिन्यूसली चलाना है जब तक हमें कर्ड में उबाल आ जाए। कुछ लोग जो है वो इसमें अंडा डालते हैं, लेकिन अंडा डालने से वैसा टेस्ट नहीं आता है जैसा कि हमें इस तरह से बनाने में आता है। इसमें मेहनत ज़रूर लगती है। अंडा डालने से ये होता है कि हमें ज़्यादा फेंटनी नहीं पड़ती है, लेकिन मैं यखनी इसी स्टाइल में बनाती हूँ। ये ट्रेडिशनल वे है, बहुत टेस्टी बनती है ऐसे। और जो हम वो डायरेक्टली सिर्फ कर्ड यूज़ करते हैं विदाउट ऑयल, वो ज़्यादा गाढ़ी नहीं बनती है। आप इसी स्टाइल में बनाइएगा। जब तक उबाल में कर्ड में आ जाए तब तक आप चलाते रहना है आप लोगों को। आपको इलेक्ट्रिक बीटर ज़रूरत नहीं है इसमें, आप इसी से कीजिएगा, हैंड बीटर से ही। कंटिन्यूसली ये चलाना है ताकि कर्ड फटे नहीं। देखिए कर्ड उबलने लगी। अब मैं देखिए, मैंने जो ये लहसुन के जावे लिए थे इनको मैंने पीसेस में काटा, इसमें ऐड करती हूँ। ये जो खड़ा मसाले इनको भी इसमें ऐड करती हूँ। जिंजर पाउडर, नमक, अब मैं इसमें चावल का आटा थोड़ा थोड़ा करके ऐड करती हूँ। एक साथ नहीं डालिएगा। अब इसमें मैं घी ऐड कर देती हूँ। यखनी उबल रही है, अब फटने का बिल्कुल भी खतरा नहीं है। कर 50% रह गई, गाढ़ी भी हो गई, आप देखिए। अब हम इसमें मटन ऐड करते हैं। अब मैं गैस को लो फ्लेम पे कर देती हूँ। अब मैं मटन ऐड करती हूँ इसमें। मटन इसमें डालेंगे। अब फिर मटन को हम जो है कर्ड के साथ उबालेंगे। अब जो है मटन स्टॉक भी इसी में हम ऐड करेंगे। अगर मैंने खड़ा मसाला डाला होता तो मुझे इसको स्टेन करना पड़ता, लेकिन मैंने जो है पिसा हुआ मसाला इसमें डाला था। पहली उबाल में फुल फ्लेम रखना है। देते हैं, देखिए उबलने लगा। अब मैं इसको लो फ्लेम पे कर देती हूँ। एक बात और, अगर जब हमें जो है कर्ड जब गाढ़ी हो जाती है, जब हम इसमें मीट ऐड कर देते हैं, अगर हमारे पास मटन स्टॉक कम हुआ और ये गाढ़ा हुआ होगा, तो आप इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हमने तो मटन को 50% ही कुक किया है, क्योंकि हमें 50% इसको और कुक करना है, तो आप इसमें थोड़ा पानी और ऐड कर सकते हैं। अब मैं गैस को लो फ्लेम पे रख देती हूँ ताकि जो है मटन अच्छी तरह गल जाए।
15 मिनट हो गए लगभग। अब हम देखेंगे कि मटन हमारा टेंडर हो गया है। ये अच्छी तरह टेंडर हो गया है, ये देखिए आप। ये जो मैंने अनियन को गोल्डन ब्राउन किया था, इसको मैंने अच्छी तरह कूटा है। अब मैं इसकी मैं ऐड करती हूँ। ये ड्राई पुदीना ये आप डाल देते हैं इसमें, बहुत ही अच्छी स्मेल आती है इससे। यखनी हमारी तैयार हो गई। अब मैं गैस बंद कर देती हूँ। अब हम इसे सर्व करते हैं। मैंने मटन यखनी डिश आउट की। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट्स में लिखना ना भूलिएगा, और मेरे वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना